मतलब सिर्फ उसकी माँ का जेवर नहीं लेकर गए हैं, आयशा का भी जेवर था, एनी का भी जेवर था। हाँ हाँ, सब ले गए, बर्बाद हो गया। आ गए आप? नजर नहीं आ रहा है, सामने बैठा हूं तुम्हारे। गुस्से में है? हाँ हाँ, मूड ऑफ है। क्या हुआ, घर में कोई बात हुई है? हाँ घर में। आयशा का कॉल है? नाम मत लो उसका मेरे आगे। क्या हुआ जो नाम भी नहीं सुनना चाह रहे? हाँ वो भी तो परेशान होगी ना ऐसे हालात में। तो मैं कैसे पता? आलिया का फोन आया था कल, उसने बताया ना कि उसकी माँ के घर चोरी हुई है, तो माँ है उसकी, परेशान होना तो बनता है ना अभी। अपनी माँ से ज्यादा वो खुद के लिए परेशान है, और तो होशियार बन रही थी, सारी होशियारी खत्म हो गई। नहीं मैं समझी नहीं। मतलब सिर्फ उसकी माँ का जेवर नहीं लेकर गए हैं, आयशा का भी जेवर था, एनी का भी जेवर था। हाँ हाँ, सब ले गए, बर्बाद हो गया। ना तुम बहुत बुरा हो गया अभी, पर आपको पता नहीं था कि जेवर उसकी माँ के पास रखा हुआ है? आपको बताया नहीं था क्या? झूठ बोला उसने मुझसे, मुझसे कहा कि लॉकर में है जेवर, जबकि था उसके माँ के घर पर। आप पे तो भरोसा करना चाहिए था ना, या आप पे यकीन ही नहीं करती वो? सब दिख रहा है मुझे, क्या अहमियत है मेरी वहां पर, क्या औकात है मेरी, सब नजर आ रहा है। सच कहा है किसी ने, झूठ छुपता नहीं है, कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। और आपने क्या कुछ नहीं किया है उसके लिए, इतना तो भरोसा करना चाहिए ना अपने हस्बैंड पे। हाँ ऐसा ही है, उसने मुझे कभी अपना समझा ही नहीं, क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए, बदले में उसने मुझे सिर्फ शिकायतें दी। आप परेशान ना हो, बेवकूफ है वो, जो आपको पहचान नहीं पाई, बदकिस्मत है ना जो आपकी अच्छाई नहीं देख पाए। हाँ हबीब, मुझे उस घर में इतना सा कोना भी मिल जाता ना, तो आप देखते मैं क्या करती आपके लिए। मुझे तो सोच सोच के बुरा लग रहा है कि कोई अपने शौहर के साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकता है। हाँ तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, और आगे भी देती रहूंगी, आसमां के देख लीजिएगा। अच्छा मूड ठीक हो गया? खाना क्या बनाओ? जो तुम्हारी मर्जी बनाओ।